क्लास एट्थ एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 9। इस क्वेश्चन नंबर 9 में कहा जाता है कि एक ग्रैंड फादर जो है वो अपनी ग्रैंड डॉटर से, उसकी उम्र जो है वो 10 times है, ठीक है। ग्रैंड फादर ग्रैंड डॉटर से कितना एज का है इनका, 10 times। फिर और भी आगे एक कंडीशन दी हुई है कि ये जो ग्रैंड फादर है वो अपनी ग्रैंड डॉटर से 54 years ओल्डर भी हैं, तो आपको इनकी प्रेजेंट एज निकालनी है। सिंपल सा क्वेश्चन है, लेट प्रेजेंट एज ऑफ ग्रैंड डॉटर मान लो एक्स ईयर्स है, तो देयरफॉर प्रेजेंट एज ऑफ ग्रैंडफादर 6 times कर दो इसको, सॉरी 6 times नहीं है, 10 times है, तो 10x years हो जाएगा, ठीक है। फिर बाय गिवन कंडीशन, आगे कंडीशन और है, वो गिवन कंडीशन ये है कि इन दोनों की एज डिफरेंस कितना दिया हुआ है, 54 years का दिया हुआ है। दोनों का एज डिफरेंस कितना दिया हुआ है, 54 years। एज डिफरेंस मतलब कि ये जो ग्रैंड डॉटर है ना वो अपने ग्रैंड फादर से कितनी छोटी है, 54 years। तो दोनों की एज डिफरेंस दी हुई है 10x माइनस एक्स इक्वल टू कितना डिफरेंस दिया हुआ है, 54 year का दिया हुआ है। सॉल्व करना है, 10 में से 1x गया तो कितना हो गया, 9x इक्वल टू 54। एक्स निकाल लो, 54 को डिवाइड करो 9 के साथ, 9 ones are 9, 9 6 are 54, तो x की वैल्यू कितनी आई है, 54 आई है। तो देयरफॉर प्रेजेंट एज ऑफ ग्रैंड डॉटर, प्रेजेंट एज ऑफ ग्रैंड डॉटर, ग्रैंड डॉटर, ग्रैंड डॉटर कितनी आई है, 6 साल की। एंड प्रेजेंट एज ऑफ, प्रेजेंट एज ऑफ ग्रैंड फादर, तो ग्रैंड फादर कितना, 10x था ना, 10 into 6 किया तो कितना आ गया, 60 years आ गया। तो ये दोनों की प्रेजेंट एजेस आ गई है। क्वेश्चन नंबर 10 है, क्वेश्चन नंबर 10 में कहता है कि सोहेल एज इज 3 times हिज सन्स एज। चलो पहले इतनी ही बात हम करते हैं कि सोहेल की उम्र अपने बेटे के मुकाबले में कितनी है, 3 times है। तो हम क्या करेंगे, लेट सोहेल सन्स एज कितनी, एक्स ईयर्स, तो देयरफॉर सोहेल प्रेजेंट एज क्वेश्चन के मुताबिक वो 3 times कर दो, 3x years बाय गिवन कंडीशन। अभी पढ़ेंगे आगे क्वेश्चन को, बाय गिवन कंडीशन क्या है, 10 years ago, 10 years ago मतलब कि 10 साल पीछे चले जाना है। 10 years ago ही वाज मतलब सोहेल वाज 5 times हिज सन्स एज। आज से 10 साल पहले सोहेल की उम्र अपने बेटे से क्या थी, 5 times थी, ठीक है। आपको उनकी प्रेजेंट एजेस निकालनी है बाय गिवन कंडीशन। चलो एक तरफ लिख लेता हूँ मैं सोहेल की उम्र आज से 10 साल पहले, तो 10 साल पीछे जाना है तो माइनस कर लेना है, बीच में डाला इक्वल टू का साइन। सोहेल की अभी प्रेजेंट एज कितनी है, 3x, 10 साल पीछे चले जाओ तो 10 साल पहले सोहेल जो था वो क्या था, 5 times, ये है सोहेल की उम्र। क्योंकि देखो बीच में इक्वल टू का साइन आ रहा है ना, तो इक्वेशन को सेटिस्फाई करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 5 times यहाँ पे लगाना ये, ठीक है। क्या बेशक रहा है कि आज से 10 साल पहले सोहेल की उम्र जो थी अपने बेटे के मुकाबले में क्या थी, 5 times थी। लेकिन इसको नहीं कहीं कर देना 5 times, इसको करोगे गलत हो जाएगा, क्योंकि बीच में क्या आ रहा है, साइन इक्वल टू का आ रहा है, तो इक्वेशन जो है वो सेटिस्फाइड भी होनी चाहिए। बस अब इसको सॉल्व करना,
करोगे कितना आ गया 5x माइनस 10, 5 ज़र कितना होता है 50, इक्वल टू 3x माइनस 10। x की टर्म एक तरफ ले जाओ 5x माइनस 3x इक्वल टू माइनस 10 प्लस 50। करो इसको साल, 5 में से 3 गया तो कितना हो गया 2x इक्वल टू 50 में से 10 गया तो कितना हो गया 40। तो x की वैल्यू निकाल लो, 40 को डिवाइड करो 2 के साथ, 2 वन ज़ार 2, 2 20 ज़ार। तो ये जो x था ये किसकी उम्र थी, सोहेल के सन की। तो देयरफॉर सोहेल्स सन्स प्रेजेंट एज कितनी आ गई, 20 साल। एंड अब सोहेल की भी तो निकालनी है ना, सोहेल्स प्रेजेंट एज तो वो क्या है 3x है ना, तो 3 को 20x की वैल्यू क्या थी 20 थी, उसके साथ मल्टीप्लाई करना है। तो 23 हज़ार कितना हो गया 60 ईयर्स। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 10 था। तो ये एक्सरसाइज भी ख़त्म हो गई है 2.4। तो इन दोनों क्वेश्चंस को ध्यान से आपने समझना और कॉपियों पे नोट कर लेना। ओके।